एक बच्चा पूछ रहा है, मेरी एक बात सुन लो, इसको भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं यहाँ पे लगातार, बेचारे परेशान है कि सर प्लीज़ बता दीजिए, नहीं तो मतलब आज का खाना हजम नहीं होगा, कि सर क्या ये इम्पोर्टेंट है, सर क्या ये इम्पोर्टेंट है। तो इस पर दो बातें सुनिए ध्यान से। पहले जेई मेन्स का पेपर होता था कितने दिन, एक दिन एक शिफ्ट, एक दिन एक शिफ्ट, मतलब पूरे जेई मेन्स के बच्चे एक दिन में पेपर देके निकल जाते थे, जैसा आज नीट का पेपर होता है, जैसा आज नीट का पेपर होता है। वंस अपॉन अ टाइम इन इंडिया जेई मेन्स यूज टू हैपन दिस वे, एक दिन में पूरा पेपर। जब एक दिन में पूरा पेपर कराना होता था ना भाई, तो जेई मेन्स को एक्चुअली में एक ही पेपर बनाना पड़ता था, और उस टाइम पे एक पेपर में 30 सवाल होते थे, 300 करने होते थे, एक 360 मार्क्स का पेपर होता था, पैटर्न बदल गया, अब 300 पे आ गया, 30 सवाल होते थे, 300 करने होते थे, तो साल भर में एनटीए को 30 सवाल बनाने पड़ते थे, और पूरी केमिस्ट्री से 30 सवाल बनाने पड़ते थे। सुनिएगा ध्यान से, अब जेई मेंस की बात करें ना, अभी जो हो रहा है जेई मेंस 2022, तो इसके दो अटेम्प्ट हो रहे हैं, अटेम्प्ट 1 और अटेम्प्ट 2, जो कि अभी चल रहा है दोस्त, जो कि अभी चल रहा है अटेम्प्ट 2। अटेम्प्ट 1 की बात करें तो अटेम्प्ट 1 में जो पेपर हो रहा है टोटल 5 दिन में हो रहा है, अटेम्प्ट 2 में जो पेपर हो रहा है ये भी टोटल 5 डे में हो रहा है, और हर दिन दो दो शिफ्ट हो रही है, हर दिन दो दो शिफ्ट हो रही है। ऐसा नहीं कि एक के बच्चा दो शिफ्ट में पेपर दे रहा है, मतलब कोई घपला कर रहा है तो दे सकता है, लेकिन हर बच्चे का एक ही शिफ्ट में एक ही बार में पेपर होगा, लेकिन किसी ना किसी एक दिन तो होगा। इसका मतलब है अगर 5 दिन 2 शिफ्ट, 5 दिन 2 शिफ्ट, इसका मतलब यहाँ पे 10 पेपर बनाना है, यहाँ पे 10 पेपर बनाना है, टोटल 20 पेपर तैयार करने हैं एनटीए को एक साल में। पहले एक पेपर तैयार कर रहे थे, अब 20 पेपर तैयार कर रहे हैं, 20 पेपर में 30 सवाल बनाने हैं, तो 600 सवाल, 600 क्वेश्चन यार। जब सवाल 600 क्वेश्चन पे आ जाए ना, तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सवाल जब 600 क्वेश्चन पे आ जाए ना भाई, कि एक साल में 600 क्वेश्चन बनाने हैं, तो हर छोटी चीज से सवाल आएगा, हर छोटी चीज से सवाल आ सकता है, तो प्लीज कुछ भी, प्लीज कुछ भी इधर उधर ना करें, ना करें सर, अच्छे से पढ़ें सब कुछ। अगर मान लो सवाल आ गया, तो अगर मगर की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।